अस्सलामु अलैकुम। क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट मैथ, डेट 16/4/2021, चैप्टर टू, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एक्सरसाइज 2.1। देखो बच्चों, हमने जो पिछले चैप्टर उसका नाम था इंटीजर्स, उसमें हमने इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीख लिया है। अब जो ये दूसरा चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें हमें फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह सीखना है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, फ्रैक्शन क्या होती है और डेसिमल्स क्या होते हैं। आज जो ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें हमें इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 3 बाई 5। हमें ये सॉल्व करना है, ये हम किस तरह ये सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 2 माइनस 3 बाई 5, यहाँ जो 3 बाई 5 है ये फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 5, और यहाँ जो है ये इंटीजर मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर हम यहाँ 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि अगर हम 1 यहाँ डिनोमिनेटर रखेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 डिनोमिनेटर रखने से। अलबत्ता हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो हम इनके न्यूमरेटर्स का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता या एडिशन करना होता, वो तो हम इनके ये न्यूमरेटर्स का ही कर लेते और डिनोमिनेटर्स में से एक ही वहां लिख देते। मगर चूंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर्स का अलग ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 का। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर बीच में यहाँ माइनस है लिखेंगे माइनस, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3। इसी तरह डिनोमिनेटर्स का 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 और 2 का, 5 2 10, माइनस 3 1 3 डिवाइड 5 1 5, 10 में से 3 निकालेंगे वहां 7 आ जाएगा, 7/5। ये 7/5 जो है ये इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 4 प्लस 7 बाई 8, यहां भी हम ऐसे ही लिखेंगे 4 प्लस 7 बाई 8। ये 4 जो है इसका पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे 1, अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 7, बीच में प्लस लिखेंगे, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 1 7 प्लस 8 4 32 डिवाइडेड बाई 8 1 8, 32 और 7 का ऐड करेंगे, 32 प्लस 7 इज 39 डिवाइडेड बाई 8, इसका आंसर निकलता है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट जाइए आसानी है, ये आप खुद कर लोगे, मैं फिफ्थ पार्ट आपको दिखाऊंगा, थोड़ा लंबा है ये, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, ये 7/10 जो है ये इसी तरह रखेंगे पहले प्लस, और ये जो है ये दो और फ्रैक्शन 2/5 प्लस 3/2, इनका हम पहले ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 2 2's are 4 प्लस 5 3's are 15, जिस तरह हमने यहाँ खोल के लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ तो हम ऐसे नहीं, अब हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ हम ऐसे ही करेंगे, 2 2's are 4
और इसका इसका 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, हाँ इसी तरह 2 और 5 का मल्टीपल 2 5 10, हाँ ये 7/10 है, प्लस इन दो का ऐड करेंगे 15 प्लस 4 19/10। देखिए यहाँ आसानी हो जाएगी, अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इस फ्रैक्शन का भी 10 डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन का भी 10 डिनोमिनेटर है, इनमें दो में से एक 10 लेंगे वो यहाँ डिनोमिनेटर लिखेंगे, और न्यूमरेटर जो है 7 प्लस 19, 19 प्लस 7 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 10, 26/10 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, सेवंथ पार्ट, जो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, बाकी आप खुद करोगे। 8 1/2 -3 5/8। देखिए यहां एक होल नंबर दिया गया है 8, और उसके साथ में मल्टीप्लाई है, इसके साथ में है फ्रैक्शन, इसके साथ में है फ्रैक्शन, जब होल और फ्रैक्शन एक साथ में हो। देखिए ये इस तरह नहीं है 8 मल्टीप्लाइड 1/2, नहीं है ये है 8 प्लस 1/2, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये 8 1/2 जो है ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे, 8 है और बीच में यहाँ प्लस होता है, ये 8 प्लस 1/2। इसी तरह ये है 3 5/8, ये होता है 3 प्लस 5/8, 3 प्लस 5/8। तो ये इसको मिक्सड नंबर बोलते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन या मिक्सड नंबर बोलते हैं, इसमें क्या होता है होल और फ्रैक्शन एक साथ होते हैं। तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे हम, देखिए यहाँ हम 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 देखिए इस तरह लिखेंगे हम खोल के, 2 8, और ये 1 जो है ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस। इसी तरह यहाँ 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 5 जो है प्लस हो जाएगा, हाँ डिवाइडेड बाई यही 8 रहेगा। तो इस तरह जो ये मिक्सड नंबर है इसको हम पहले चेंज करेंगे सादा फ्रैक्शन में, हाँ 8 2 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 3 24 प्लस 5/8, 16 प्लस 1 17/2 माइनस 25 प्लस 4 24 प्लस 5 = 29/8। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर जिस तरह यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे, इस तरह यहाँ नहीं है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसलिए किस तरह हम सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 8 1 8 प्लस 5 13। इसी तरह बीच में माइनस है, 2 से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 2 4 प्लस 1 5, इसी तरह 2 8 16। तो इन दो का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से एक यहाँ लेंगे 16 16 - 8 इज 8, यहाँ 2 रह गया, ये 1 यहाँ लेंगे, 12 12 - 5 इज 7 डिवाइडेड बाई 16। इस तरह इनका जो सब्ट्रैक्शन हमने किया है वो बराबर निकलता है 78/16। अब हम इसको दोबारा ये मिक्सड में भी ला सकते हैं, हाँ ये भी आंसर ठीक है, अब चाहे तो मिक्सड में लाइए, तो 16 से 78 को डिवाइड करना है तो ये मिक्सड में आ जाएगा। शुक्रिया।